हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप यू ऑल विल बी वेरी गुड। सो आज हम बनाने वाले हैं सोया कटलेट, जो कि खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं एंड इसे बनाना बहुत आसान है। इसकी खास बात यह है कि इसे आप बहुत ही कम तेल मसाले में बनाकर बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सोया कटलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल लेना है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक कप के करीब ये सोया चंक्स लिया है एंड अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे गुनगुना पानी एंड उसके बाद हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे, जिससे जो सोया चंक्स है वो अच्छी तरीके से सोख हो जाए। उसके बाद हमें इसका सारा पानी निचोड़ के इसे एक प्लेट में छानकर निकाल लेना है। जब तक ये सोख होते हैं चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो उसके लिए हमें लेना है मिक्सिंग जार, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे लहसुन, साथ ही ऐड कर देंगे धनिया की पत्ती, इसी के साथ हम ऐड कर रहे हैं 2 हरी मिर्च, साथ ही कुछ अदरक के टुकड़े। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे चना दाल। ये चना दाल मैंने 1 कप ही करीबन लिया, जिसे मैंने पहले से ही भिगो कर रखा हुआ था। इसका पानी छान लेंगे, उसके बाद हम चना दाल को ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसे कवर करके अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे इसे ब्लेंड कर लिया है, एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं इसे हमें एकदम से महीन नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही रहना है। तो इस तरह से हमने इसे पीस लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे सोया चंक्स, जो हमने पहले से भिगो के रखी थी, इसे हमने अच्छे से निचोड़ लिया है, उसे हम ऐड कर देंगे एंड साथ में अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। एक साथ आप सोया चंक्स, चने की दाल वगैरह को नहीं ब्लेंड करें, क्योंकि अगर आप एक साथ इसे ब्लेंड करते हैं तो ये अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं हो पाएगा। तो इसे हम 2 बार में ही ब्लेंड करेंगे। देख सकते हैं इसे हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। यहाँ पे इस मिक्सचर को हमें बहुत बारीकी से नहीं ब्लेंड करना है, इसे हमें दरदरा पेस्ट बनाकर ही तैयार कर लेना है। एंड अब हम इस मिक्सचर को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे एंड उसके बाद हम इसमें ऊपर से कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मिक्सचर को बाउल में ट्रांसफर कर लिया है एंड अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 1 कप करीबन बारीक कटी हुई प्याज। प्याज के साथ ही हम ऐड कर लेंगे बेसन। तो मैंने 1 कप के करीबन बेसन ऐड किया है, बेसन बाइंडिंग में बहुत हेल्प करता है, तो आप बेसन को जरूर ऐड करें। साथ ही 1/2 टीस्पून के करीबन लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून ही नमक ऐड कर लेंगे। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून के करीबन गर्म मसाला ऐड कर लेंगे। अगर आप जैसे ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप धनिया जीरे का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। एंड अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे इसका मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो हम इसके कटलेट्स बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देख सकते हैं मिक्सचर हमारा बनके एकदम से तैयार है। तो अब हम इसके फटाफट से कटलेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कटलेट्स को छोटे छोटे टिक्की के शेप में बनाया है। आप कटलेट्स को अपने मनपसंद किसी भी तरीके की शेप में बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे टिक्की के शेप में या फिर लंबे लंबे कटलेट्स को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके के छोटे छोटे टिक्की के शेप में कटलेट्स को बना लिया है। तो जो बाकी के बचे हुए डो है, इससे हम कुछ कटलेट्स बना लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसकी सेलो फ्राई करने की प्रोसेस में। लेकिन अगर आप इसे डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप इसके डो में जो बेसन की मात्रा है उसे बढ़ा दें, तभी ये डीप फ्राई हो पाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम जो कटलेट्स हैं उसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ कटलेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं एंड अब हम चलते हैं इनकी सेलो फ्राई करने की प्रोसेस में। सेलो फ्राई करने के लिए हमने तवे को गैस पे चढ़ा दिया है। तवे जैसे ही गर्म हो जाता है हम इसे ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। तवे को अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस करने के बाद हम इसमें जो टिक्की हमने बनाकर तैयार की थी उसे हम सेलो फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई या फिर एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तो एक बार में ज्यादा नहीं, 7 से 8 टिक्कियों को हम सेलो फ्राई कर लेंगे या फिर आपके तवे में जितनी स्पेस है आप उसके अकॉर्डिंग इसे एक बार में सेलो फ्राई कर सकते हैं। तो अब हम इसे उलटते पलटते दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमें गैस का फ्लेम लो टू मीडियम में रखना है, इसे हमें हाई नहीं करना है, अदरवाइज ये ऊपर से तो जल जाएंगे लेकिन अंदर से नहीं पक पाएंगे। तो देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन कलर का होने लगा है। तो अब हम इसे उलटते पलटते हुए दोनों साइड से अच्छे तरीके से पका लेंगे, जिससे जो हमारे कटलेट्स हैं वो अच्छे तरीके से क्रिस्प हो जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सोया कटलेट्स हैं इन्हें बनाना कितना आसान है। ये बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाते हैं और खाने में भी काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो कटलेट्स तैयार हैं, हम चलते हैं इसकी सर्व करने की प्रोसेस में। तो
मैंने आप इसे हरी धनिया चटनी के साथ सर्व किया है, जो कि खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। एंड जो कटलेट्स है हमारे, इसे बनने में भी बहुत कम टाइम लगता है। तो देख सकते हैं कटलेट्स को हमने यहाँ पे सर्व कर दिया है। ये खाने में काफी ज्यादा मजेदार लगता है। आप इसे अपने मनपसंद किसी भी चटनी, चाहे तो आप टमाटो केचप या फिर दही की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इस तरह से स्वचंस कटलेट बनाकर चाय के साथ या फिर बच्चों को टिफिन में भी इसे दे सकते हैं। ये सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक कटलेट को तोड़ के दिखाती हूँ कि जो कटलेट्स है हमारे वो अंदर से किस तरीके से पके हुए हैं। आप देख सकते हैं देखने में दोनों साइड से अच्छे तरीके से पके हुए हैं, यानी अंदर से भी अच्छे तरीके से पके ही हैं। तो देख सकते हैं कटलेट्स हमारे एकदम से अच्छे तरीके से पक के तैयार हो गए हैं। तो आप इस तरह से कटलेट्स को बनाएं और इसे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।